इंडियन पिनल कोड सेक्शन 319 जो डील करता है हर्ट के बारे में, जिसको हिंदी में उपहति कहा जाता है। तो उपहति के अंतर्गत क्या आता है? किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचा देना, किसी व्यक्ति को इस तरह से कुछ पीड़ा पहुंचाना कि वो रोग से ग्रस्त हो जाए, या फिर अंग शैथिल्य को मतलब उसका कहा जाएगा कि दुर्बल बना देना सामने वाली पार्टी को। आपने ऐसा कुछ किया है कि जो व्यक्ति था वो दुर्बल हो गया है, यानी कि ऐसा थप्पड़ मारा आपने उसको कि उसको चक्कर आके गिर गया, उसके अंतर्गत ताकत नहीं बची तो वो दुर्बल हो गया है, या फिर उसके पेट में लात मार दी। तो इस तरह से ये फिर और एग्जाम्पल, जैसे कि कोई लड़की है, कोई बंदी है, उसके अपन उसके बाल पकड़ के आपने खींचा और वो गिर गई, ऐसा कुछ बाल खींचना। तो यहाँ पे उस व्यक्ति ने क्या किया, हर्ट किया सामने वाले को। तो ये 319 में कवर होता है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल हर्ट, यानी कि जो भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुँचाता है, या फिर रोग, या फिर अंग शैथिल्य दुर्बलता, तो वो हर्ट के अंतर्गत कवर होता है, यानी कि 319 में। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, जो बात करता है घोरोपति, यानी कि ग्रीवियस हर्ट। जो सिंपल हर्ट था वो ऊपर हमने पढ़ा, अब ग्रीवियस हर्ट किसे कहते हैं? ग्रीवियस हर्ट वो होते हैं जो थोड़े गंभीर होते हैं। तो घोरोपति किसे कहते हैं? ग्रीवियस हर्ट उसे कहा जाता है जो 8 पॉइंट दिए हैं आईपीसी 320 में। अगर 8 पॉइंट में किसी में भी आपका ऐसा कोई अपराध किया जाता है तो वो घोरोपति के अंतर्गत कवर होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है नपुंचक, जिसको इसमें अजीब सा लिखा है, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है नपुंसक, यानी कि जो पार्टी थी, जिस बंदे को आपने मारा है, या फिर किसी भी तरह से आपने ऐसा कुछ उसके साथ कांड कर दिया है कि वो नपुंसक हो गया, आगे अब बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, तो वो उस व्यक्ति को आपने क्या किया, घोरोपति यानी ग्रीवियस हर्ट किया है। सेकेंड बात करता है नेत्र की दृष्टि को स्थायी विच्छेद, भाई बंदे की आँखें फोड़ दी आपने तो वो सेकेंड में कवर करोगे आप, ठीक है। और थर्ड है कि कान की श्रवण शक्ति स्थायी विच्छेद, ऐसा भाई घुमा के थप्पड़ मारा है सामने वाले के कान के पर्दे फट गए हैं, बिल्कुल भी कान की शक्ति बिल्कुल भी ख़त्म, नहीं सुन सकता, स्थायी विच्छेद मतलब कि बिल्कुल टोटली ख़त्म हो गया है, अब सुन ही नहीं पाएगा, तो वहाँ पे ग्रीवियस थर्ड में कवर होगा। चौथा कहता है अंग या जोड़ का विच्छेद, अंग मतलब शरीर का कोई, बॉडी का कोई पार्ट आपने अलग कर दिया, या फिर जोड़ जैसे कि कोहनी होती है हाथ की, पैर का घुटना होता है, इनको अलग कर दिया हो, तो ये 4 में कवर हो जाएंगी, जो कि ग्रीवियस हर्ट कहा जाएगा। पांचवे में चलते हैं, पांचवा कहता है अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश कर देना। शक्तियों, यहाँ पे शक्तियों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शक्तियों के बारे में बात कर रहा है, शक्तियों को नाश या स्थायी विच्छेद। शक्तियाँ मतलब कि जो जोड़ वगैरह उनकी जो मसल्स होती हैं जिनसे हमारा हाथ काबू में आता है जैसे घुमाना है, तो जिन शक्तियों को नाश कर देना स्थायी विच्छेद, अब वो जो मसल्स हैं अब नहीं जुड़ सकते, टोटली डैमेज, तो वो हम पांच में कवर करेंगे। छठवा कहता है भाई आपने सामने वाले बंदे के चेहरे पर ईंट उठा के मार दिया, तो हम छठवे में कवर करेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है, सिर या चेहरे का स्थायी विद्युपीकरण, चेहरा बिगड़ गया भाई सामने वाले का, तो हम छठवे में कवर करेंगे इसको, ठीक है। सातवा कहता है अस्थि या दांत का विसंधान, यानी कि उसकी जो अस्थि मतलब होता है जो वो होता है ना बोन, हड्डी या फिर दांत का विसंधान, यानी कि यहाँ तो जो क्रैक आ गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो इस तरह से हम सातवें में कवर करेंगे। ऐसा कुछ मार दिया आपने सामने वाले के हाथ में, हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो वो भी घोरोपति में आता है, ठीक है, इसको याद रखना। और आठवां कहता है भाई आपने सामने वाले को इतना मारा कि भाई बंदा 20 दिन से बेड से उठा नहीं है, 20 दिन तक पीड़ा में पड़ा रहा भाई। सामने लिखा है आठवें पॉइंट में कि 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा उसको महसूस हुई, 20 दिन से बेड से नहीं उठा भाई, तो हम भाई क्या करेंगे, 320 में कवर करेंगे, यानी कि अब वो 320 में कवर हो चुका है, आपने उसके साथ ग्रीवियस हर्ट किया है। तो अब क्या होगा, ऊपर हमने 319 में पढ़ा सिंपल हर्ट, 320 में पढ़ेंगे हम ग्रीवियस हर्ट, जो हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, 8 पॉइंट दिए हैं। अब इसमें पनिशमेंट की बात करते हैं, ये तो हो गया भाई, जो तुमने किया था वो तो हमने पता कर लिया कि अब वो कहाँ था, 319-20 में से किसी एक में आता होगा, जो भी आपका कोई मैटर होगा, ठीक है। अब समझते हैं इसका पनिशमेंट, तुमने कर तो दिया, तुम्हारा कवर भी हो रहा है डेफिनेशन में, अब आइए पनिशमेंट पर बात करते हैं। पनिशमेंट सिंपल हर्ट की पनिशमेंट दी है 323 में, जो स्वेच्छोपति की बात करता है, इसमें एक पॉइंट दिया है कि 334 को छोड़ के, यानी 334 में क्या है, प्रकोपन के द्वारा, यानी कि आप सामने वाले को प्रकोप करते हो, प्रवोक करते हो,
वो प्रोवोक करने के बाद ऐसा कुछ आप सामने वाले को हर्ट करते हो तो वो फिर उधर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पनिशमेंट कम लिखा है। तो इसको छोड़ के उसने आपका प्रोवोक नहीं किया हो, उसके बाद आपने उसको हर्ट किया हो, तो यहाँ पे 1 साल का पनिशमेंट दिया है 323 में, और 1,000 रुपये का जुर्माना, और नहीं है सॉरी, या फिर जुर्माना और या फिर दोनों, ठीक है। और 324 डील करता है यदि आप हथियारों के साथ हर्ट करते हो सामने वाले को। तो 324 में उसका पनिशमेंट दिया है, उसका पनिशमेंट है 3 वर्ष तक, भाई 3 वर्ष तक जेल में भुगतोगे सामने। यदि आप ऐसे खतरनाक हथियारों के साथ काटने के उपकरण हैं सामने वाले को हर्ट करते हो तो वो 324 में कवर होता है, यदि आप ऐसे उपकरण से सामने वाले को हर्ट करते हो तो। साल का है, 3 साल तक आपको पनिशमेंट मिल सकता है, या फिर जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। अब 319 और 320 में एक और बात है कि क्योंकि 319 का जो पनिशमेंट जो अपराध है वो क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने आपके बाल पकड़ के खींच दिए, आपको लात मार दी, आप गिर गए, तो ये एक सिंपल हर्ट होता है। इसमें आपको क्या है, पुलिस वाले वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको वारंट लाना पड़ेगा तब आपको ले जाएंगे। भाई आपने सामने वाले बाल खींचे हैं, सिर्फ कैसे ले जाओ उठा के, वारंट लाओ, ठीक है। अब 320 में क्या है, 320 कहता है कि सामने वाली पार्टी को आपने जो 8 पॉइंट पढ़े थे, किसी में भी ऐसा कोई अपराध उसके साथ किया है तो सामने वाले को बिना कोई वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकेगी। यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है, चलो भाई आपने ऐसा कुछ किया है, अब तुम वारंट का वेट थोड़ी करेंगे भाई, सामने वाले की आंखें फोड़ के बैठे हो तुम, वारंट का वेट नहीं कर सकते, चलो उठा। तो 320 में वही बात करता है कि इस व्यक्ति को डायरेक्ट उठाया जा सकता है, कोई वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 321 और 322 तो नॉर्मल है, स्वेच्छा उपाधि जो 19 वाला है, तो यहाँ पे दो दो का पेयर बन के चलता है, जैसे 19 में सिंपल और 20 में घोर, ठीक है, 21 में सिंपल हर्ट और 22 में घोरोपति, और स्वेच्छा यहाँ पे 21 और 22 में स्वेच्छा उपाधि करना, वॉलेंटियरली मैंने कि अपनी मर्जी से आपने जो किया हो, अगर आपने किसी के दबाव में आके किया हो तो वो यहाँ कवर ही नहीं होगा भाई, क्योंकि वो तो अपराध होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपने वो स्वेच्छा से किया हो, जो भी आपने सामने वाले को हर्ट किया है वो आपने अपनी मर्जी के हिसाब से किया हो, कोई के दबाव में आके नहीं किया हो, तो वो 21 में जाएगा। और स्वेच्छा घोरोपति यानी कि अपनी मर्जी से सामने वाले के आँख कान जो भी फोड़ा है तो वो 322 में कवर होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, और 323 में तो आपको पता ही है भाई, सिंपल हर्ट का पनिशमेंट है, ठीक है। और 324 में सॉरी वो है, सिंपल हर्ट को तुम आयुध यानी कि आर्म्स वेपन्स के साथ में सिंपल हर्ट करते हो, 325 में ग्रीवियस हर्ट का पनिशमेंट दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ को सी याद करने की बात थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।